अपनी लोकेशन पे पहुंच गए डेरापुर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन आप, तो यहीं से हमें लोड करना है, तो लोड जो होगा वो आपको भी दिखाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पहुंच गए, ये देखो आप लोकेशन डेरापुर में। तो यही लेबर यहाँ बैठी है, ये देखिए आप यहाँ पे लेबर है, तो यहीं से हमें लोड करना है फगवाड़ा का। तो मिलते हैं आगे। हम लोडिंग पॉइंट पे पहुंच गए, से लाया पूरा जंगल रास्ता था, और अभी यहाँ पे माल अभी, ये देखो कंपनी वाले क्या है धोखा दे रहे हैं यार, अभी माल बन रहा है। ले मारा मारी का अपना पेट मार के तुम्हारा पेट बढ़ा दी, वीडियो बना दो भाई जी। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी यहाँ से आधा लोड हो चुका है, तो यहाँ से हमें निकाला। ये देखो किस रास्ते से हमें लाया है यहाँ से, ये देखिए अब जगह ही नहीं है, और गाली देखो आप। ये आप देखिए कहाँ से लाया है इतनी बड़ी गाड़ी, और बिजली का तार भी यहाँ से है, ये देखिए आप। अब मैं जो ट्रपाला था वो टोल में था, वो भी नीचे गिर गया। अभी लोड हो रहा है यहाँ पे, अभी 12 बज गए, अपना लोड जो कंटिन्यू हो रहा है, तो अपनी गाड़ी का काउंट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा माल ज़्यादा ये उतार देंगे यहाँ ही पे, तो इसमें वेट ज़्यादा हो गया, तो अब वापस ट्रैक्टर वाली में उतार देंगे ये वाला। अभी 1:30 बज गए, अभी रास्ता त्रपाला हमने नहीं डाला, तो अभी रास्ता त्रपाला डालेंगे और निकलेंगे। फिर रात के 2:30 बज चुके हैं, तो अभी हमारी गाड़ी का रास्ता त्रपाला हो गया, तो आप बिल्टी पकड़ने हैं तो निकलने। ये देखो ट्रक लाइफ इसी को कहते हैं। 2:30 बजे अब पसंद अब अपना बिल कर रहा है, पहले पकड़ना है इसमें। ये अपनी बिल आ चुकी है, टावा में पहुंच गए। अब यहां से हमें मैनपुरी की तरफ मुड़ना है, क्योंकि शिकोहाबा से अभी नहीं जा सकते, वहां से नो एंट्री है ईटक का भी और जसराना का भी। तो हम यहां से निकलते हैं राइट साइड, ये देखिए आप। बाबू को तो अभी हम यहीं पे मदर डेयरी पे, तो देखते हैं वो गेट पे आ जाएगा, तो अपना पहुंच उसको आज देना है। बहुत कमज़ोर है, पहले तो बहुत अच्छा था यार, ये खाते पीते कुछ नहीं हो, फिर इतना कमज़ोर क्यों हो गया, पहले तो मोटा था यार। अब देखो ये देखो, अब पहले इतना मोटा मोटा था, अब वो खाया करो कुछ, वही खाया करो कुछ, कुछ नहीं खाते, खाली आलू खाते हो फिर भी मोटे नहीं होते हो। क्या क्या खाते हो सब्जी, सच बोलना। सब कुछ मुर्गा शुर्गा खाया करो, मोटा हो जाओगे। हाँ मुर्गे क्यों नहीं खाते हो, कभी कभी गोश्त खाते हो। यार मैं भी उधर ही था कानपुर में, कल ही पहुँचा था, काली खाली क्या काली निकला। हाँ लोड है अभी, अभी लोड है इसमें, ये देखो लोड किया हुआ। और क्या, तो ईटा हमने क्रॉस किया, सिटी हमने क्रॉस किया, तो अभी चल रहे हैं आगे, और एक चौक है बस, तो वहाँ से निकल के तो चल रहे हैं अभी हम। ये देखिए कितना जाम लगा है यहाँ पे, आराम आराम से जाना पड़ता है यहाँ से,
के पुलिस वाले ने, ट्रैफिक वाले ने फ़ोटो उठाया। अब मुजीब गया एंट्री देने के लिए, तो अभी आया नहीं मुजीब, तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा तो फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे बहुत ही जाम है यार। 200 का टाफी एक पड़ गया, 200 का एक टाफी, हमें पहले टाफी चला है फिर 200 से एंट्री लिया, फिर भी ठीक है 200 चलता रहता है। आप क्या करेंगे, चालान नहीं किया, चलो देखते आगे। 10 की मूंगफली पकड़ी, 10 का ये चना पकड़ा, तो निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए आप लोड कैरियर में कितना सवारी है, कितना पैसेंजर है लोड कैरियर में। किन मानो घर में बस में इतना पैसेंजर नहीं होता जितना इसने उठाया यार। ये देखो आप, ये आप चेक करो भाई साहब, ये देखिए आप। तो अभी हम अलीगढ़ में है, तो हमने यहीं पे चाय पिया। ये अपनी गाड़ी रही है और ये अपना दुकान है यहाँ पे, तो हमने यहीं से मुर्गा भी लाया। ये अब देखिए आप, हमने यहाँ से अब अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा। फ़िलहाल हम यहीं पे स्टॉप किया, तो चाय भी हम यहीं पी रहे हैं। तो वीडियो में आप बने रहे और एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो यहाँ आपको आमलेट भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगा। तो सुबह के बज चुके हैं 5, तो रात भर हम यहीं सोए थे, तो अभी निकल चुके हैं भाई यहाँ से। तो अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा, शामली क्रॉस करके और एक बार चाय पीने हमें। अभी यहाँ से चाय अच्छी नहीं मिली, तो यहाँ से हम निकल चुके हैं अपनी तीनों गाड़ी। अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये अपना यावर भाई और आगे उस्ताद अपना, तो चल रहे हैं हम, देखेंगे। शामली में जाम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो और 1 घंटा सोते हैं हम, लेकिन जाम की वजह से हमें निकलना पड़ा यहाँ से। बाकी बज चुके हैं 5, तो हमने यहाँ गाड़ी साइड में लगा दिया, तो अभी जा रहे हैं हम बिरयानी खाने। चाय पिया था हमने, तो अपना उस्ताद वहीं पे है, तो हम जा रहे थे फिर आगे नहीं हो गया शाम में क्रॉस करके, फिर हरियाणा में एंटर हो जाएंगे, फिर बिरयानी नहीं मिलेगी, इसलिए पहले यूपी में ही बिरयानी खाएंगे। तो हम पहुँच रहे धामा में, तो उस्ताद अपना ये रहा तो खा रहे अभी बिरयानी। भाई पहुंच गए हम शामली, यहाँ तो जाम मिलना ये सब ड्राइवर को पता है, जब तक इसका बाईपास नहीं बन जाएगा तब तक जाम में हम मिलना ही है। तो चलते आगे, तो आप वीडियो में बने रहे और एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो शामली कास करके करनाल पहुंच जाएंगे, तो अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा फगवाड़ा तक। तो फगवाड़ा में ये वीडियो हम एंड करेंगे, क्योंकि अपनी लोकेशन जो है वो फगवाड़ा ही है। तो चलते हैं आगे की ओर। सवेरे अपना टायर बैठ गया यहाँ पे, देखिए अब जग चढ़ाया हमने, तो आप टायर खोलेंगे यार, अंदर वाला टायर बैठ गया, नवा टायर, इस चक्कर खाली टायर बैठ गया यार, क्या पता क्या हो गया। तो यहाँ से मोटर हो गया चालू यहाँ से, और मुझे मिस्टरी बन गया आप इस चक्कर, ये देखो कोई कोई बारिश लगता है, बारिश आने वाली है, तब तक हम अपना तिरपाला डालते हैं। तो बारिश आने लगा, तिरपाला डाल देगा, तो हम तब तक टायर निकाल देंगे। टायर बन चुका है यहाँ पे, इसमें 160 हवा करना है, तो अब वो अंदर लगा दिया, देखो कितना गर्म हो गया था टायर। अब स्लो लाइन है, एक गर्म होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक टायर में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तब इसका ये हाल होता है। ये देखो उस्ताद खुद टायर जोड़ता है, क्या पता इसको कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे भी मौसम सही नहीं है, अभी 11:30 बज गए, लेकिन अभी लग रहा है सवेरा है। तो हमने हरियाणा क्रॉस किया, अब हम पंजाब में एंटर हो गए, तो टोल क्रॉस करके देखिए आप, तो अब चलते आगे। सर हम लग गए हैं, तो इसका लाइन चेक करवाना है कमानी वाले के पास, तो अभी हम यहीं पे रुके हैं, तो और बारिश भी पड़ गई, तो ये अपना उस्ताद इस गाड़ी का काम कर रहे हैं, इसके बाद हमारा नंबर आ जाए। अपनी गाड़ी का उस्ताद आ चुके हैं लाइन करने के लिए, देखते हैं। से लाइन देख रहे हैं,
का कुछ नहीं करनी है को दो महीने हो गए, दो तीन महीने हो गए। क्या लगता है सेंटर बोला ठीक है? ये सेंटर बोला होता ना तो मारी पर लग जी टायर को। सेंटर बोला सही नहीं है, देख लो तो देख लो। थले पे आला गड्डी कर तीन नंबर चाहिए पे मूहे आ थले पे गड्डी पाना एको पे जगह यहाँ पे लग चुका है, रास्ता आ चुका है। और इसका कितना लाइन आउट था? मुरली चाहिए, मुरली कौन सी चाहिए? मुरली बोल्ट भी लेना, बोल्ट दस ले आवा, एक बोल्ट एक पाया मुरला है। हाँ दस नंबर लिया आधा है जी, इसका लाइन आउट है ज्यादा नहीं। सारान में निकल गए तो आगे अब अन्ना पहुंचने वाले हैं। तो अपना मुझे भाई ये देखो कैसे बैठ रहा है, अभी सर्दी लग गई इसको आज यहाँ पे, तो चल रहे हैं हम। आज पंजाब में भी यार बहुत सर्दी है तो इसी वजह से आज लगता है पूरा दिन हमने धूप नहीं देखा। तो सारान में जो काम था वो नहीं हुआ और अब चल रहे हैं आगे। तो आज का जो लोड है वो है फगवाड़ा का। हाँ तो मुझे भाई क्या लगता है आज इधर भी सर्दी है यार, बहुत सर्दी है ना? नहीं है फिर घर से क्यों नहीं बनिया निकाला आपने? अच्छा हाँ शीशे वीशे सभी ऊपर है क्योंकि यहाँ पे भी आज सर्दी है। और चल रहे अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू है। आप ही वीडियो में बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक से देख रहे तो फॉलो ज़रूर करना। पहुँच गए यहाँ पार्किंग पे फगवाड़ा में, तो अपनी गाड़ी साइड लगे और भी गाड़ी यहाँ पे है। तो ये पार्किंग में हमने गाड़ी रखा, तो ये आप बाईपास देख सकते हो ऊपर से। तो करते हैं इस वीडियो को ही एंड क्योंकि अब पता नहीं कब खाली हो जाएगा, कब नंबर आ जाएगा। तो अपना जो सफ़र था वो यहीं पे हम फिलहाल करते हैं एंड, फिलहाल देखते हैं यहाँ से क्या माल मिल जाएगा वो आपसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आगे आपसे।